हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिंगल। और कैसे हो सारे, आप सभी को राम राम जी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं एक बुक लेके आया हूँ, तो उस बुक में बहुत अच्छी है, बहुत बंदों ने मुझे रेफ़र किया है कि उसे पढ़ना बहुत अच्छी है। और उस बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट और डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने लिखा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस हमारा जो टाइम है वो मोस्टली कहाँ पर खर्च हो जाता है और क्यों हो जाता है। इस बुक में सब के सब जो कॉन्सेप्ट है वे सब बताए गए है कि हमको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हुए हैं उनके पास 24 घंटे थे और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। जो हेलन केलर हुई, स्वामी विवेकानंद हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, मदर टेरेसा हुई, और हमारे नरेंद्र मोदी हुए, और सचिन तेंदुलकर हुए, और महेंद्र सिंह धोनी हुए, इन सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो हमारा जो टाइम है वो कहाँ पे चले जाता है, तो इस बुक में हम सब बात करने वाले हैं। जो डॉक्टर सुधीर दीक्षित हैं, इन्होंने जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए, हमारे राइटर हुए, और हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, उन सबसे बात की, फिल्म इंडस्ट्री में भी जाते के बात की, और उनसे बस बात की कि आपका जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, वो कैसे है। तो उन्होंने ये इस बुक में सबके सब बातें बताई है कि मैं अपना जो डेली शेड्यूल होता है या लाइफ शेड्यूल होता है उनको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। और बेसिकली इसमें तीन क्वेश्चंस हैं मेन, जो इम्पोर्टेंट है कि जो सबके पास भी 24 घंटे होते हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है कि हमारे पास समय की क्यों कमी हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो समय है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन है कि समय की जो है, हमारे पास जो समय है वो कितना कीमती है। तो ये तीन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो तीन क्वेश्चन है वे तीन क्वेश्चन हम बताएंगे, हम बात करेंगे, और उन्होंने क्या क्या मेन को बताया है। और जो आने वाली और वीडियो होने वाली है, जो 30 वीडियो, इसमें 30 सोल्यूशन दिए हैं, उन 30 सोल्यूशन के बारे में टॉपिक बाई टॉपिक हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं डीपली आपस में हम। तो वे 30 के 30 टॉपिक भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डीपली जा जा के। तो हमें अब जो अब हमारा लाइफ स्टाइल है, जो डेली रूटीन है, उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे अपने लाइफ स्टाइल को अपने उस वे में लेकर जाना चाहिए जहाँ से हम भी अपना जो लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन है, उसे सही कर सके, हम भी कुछ अच्छी कुछ पा सके, कुछ कर सके अपनी लाइफ में। क्योंकि कहते हैं कि 24 घंटे और जो 24 घंटे हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, और कैलेंडर है, कैलेंडर में 365 दिन भी सबके लिए बराबर होते हैं। तो कैलेंडर से अब कभी भी और टाइम से कभी भी धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कैलेंडर से और टाइम से धोखा खा लिया तो जीवन में हमें खुद धोखा मिल जाएगा। तो हमें कभी भी उससे धोखा नहीं खाना चाहिए। तो इसमें जो राइटर है उसने बताया है कि संसार में सिर्फ ऐसा कोना है जिसे हम खुद साफ कर सकते हैं, वो हमारा टाइम है, जिसे हम खुद सुधार सकते हैं, वो हमारा जीवन है। तो हमें अपने आपको अपने अपने टाइम को खुद मैनेज करना होगा, खुद अपने आप को सुधारना होगा, उस वे में लेके जाना होगा जिसमें हमारे जो बड़े बड़े महान हुए हैं, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए, दयानंद सरस्वती हुए, हमारे मदर टेरेसा हुई, उस वे में लेकर जाना होगा, उसे मैनेज करना होगा। तो इस बुक से हम बात कर पढ़ेंगे, तो 30 टॉपिक दिए हैं, 30 कॉन्सेप्ट, 30 रूल्स दिए हैं, उन 30 के 30 रूल्स के बारे में वन बाय वन हम वीडियो बनाएंगे। बेसिकली 31 वीडियो होने वाली है, एक वीडियो तो ये हो जाएगी हमारी, जो 30 क्वेश्चंस के बारे में, कौन से 3 क्वेश्चंस सबने उनसे पूछे हैं, और 30 वीडियो उनके बारे में होगी जो उन्होंने सॉल्यूशन दिए हैं, बड़े बड़े जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, हमारे पॉलिटिशियन हुए, हमारे जो राइटर हुए, हमारे क्रिकेटर हुए, या और भी जितने साइंटिस्ट हुए, उनसे बात की। तो उन्होंने अपना डेली शेड्यूल, डेली मैनेजमेंट कैसे किया, 29 वीडियो में होने वाली है। मैं एक बेसिकली एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पे आपको इन सब की सब वीडियो मिल जाएगी जाके। तो पहले 3 क्वेश्चन तो हमने बता ही दिए, तो इसमें मेन मेन जो मुझे लगा इन वे मैं आपसे अभी भी बता दूंगा कि कितनी बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे जो आंसर्स होते हैं उन आंसर्स से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे भी पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास भी 24 घंटे थे, तो हमें कैसे मैनेज करते हैं कि जो हमारा टाइम है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जो वो टाइम है उसकी कितनी कीमत है, कितना को कितने हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के लिए। तो वो सब बताया
है। तो इन्होंने और कहते हैं कि विधाता ने किसी को, इसमें बताया है कि विधाता ने किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, और किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। एक दिन में सबको 24 घंटे मिलते हैं, हमें भी और आपको भी, और जो जिनको पहले मिले हैं उनको भी इस दिन में 24 घंटे मिले हैं। तो हमें अपने, अगर हम अपने टाइम को अच्छी जगह लगाएंगे, अच्छे वे में लगाएंगे, तो हमें जो उसका फल है वो अच्छा मिलेगा। अगर हम उस वे अच्छा नहीं वे में नहीं लगाएंगे तो हमें उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो समय एक अनमोल चीज़ है, और खोई हुई दौलत हम दोबारा पा सकते हैं, और जो खोया हुआ हमारा सामान है हम दोबारा पा सकते हैं, सोना चांदी हुआ, पैसा हुआ हम दोबारा पा सकते हैं, हमारे कपड़े जूते हुए हमें दोबारा पा सकते हैं, हमारी जो हेल्थ है वो सही नहीं है तो हम मेडिसिन वगैरह लेके हम फिर भी सही हो सकते हैं। और लेकिन अगर हमारा समय खो गया, हम दोबारा पैसे दे के बाद भी हम वापस नहीं ले सकते, तो उससे धोखा मत खाए, उससे धोखा मत खाए। क्योंकि कितनी ऐसे व्यक्ति होती है एक साल में अपने 1 साल की इनकम 1 हफ्ते में कमा देते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, जो हम अपने समय को अपने टाइम को सही वे में नहीं लेके जाते, हम उनके 1 हफ्ते की जो अमाउंट होती है हम पूरे साल कमाने में लगाते हैं। तो अपने वे को, अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए हमको, और अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज किया, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने डेली रूटीन को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा दोबारा कि एक समय एक ऐसा इकलौता ऐसा सिक्का है हमारे पास कि उसे हम अपने अकॉर्डिंग खर्च करें, एक अपने लाइफ में को ऐसे खर्च करें कि हमारे लिए खुद वो एक स्वर्ण मुद्रा बन जाए। क्योंकि एक समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद स्वयं खर्च कर सकते हैं। अगर हम स्वयं खर्च नहीं करेंगे, कोई सामने वाला हमें खर्च कर देगा अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं दोबारा यही कहूँगा, और जो राइटर है वे भी यही बोल रहे हैं कि समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और धन भी बाद में है। कहते हैं कि समय ही धन है, अगर हमारा समय अच्छा है, हमारा जो लाइफ स्टाइल अच्छी है, हमारे डिसीजन अच्छे हैं, हमारा जो वे अच्छा है, तो हम अपने जो समय है, समय के साथ साथ जो हम कार्य करेंगे उनसे हम धन कमा लेंगे। कि कहते हैं कि समय ही धन है, अगर हमारा जो समय अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से चला रहे हैं, तो उसके बाद हम खुद ब खुद हम धन कमा लेंगे। और समय ही धन तब कहा गया है। कहते हैं कि जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उसमें सबसे मूल्यवान चीज़ वो समय ही है। अगर हम समय को अपने अच्छी तरह से खर्च करेंगे, अच्छी तरह से बिताएंगे, अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, और अपने लाइफ स्टाइल को, अपने डेली रूटीन को मैनेज करेंगे, तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। और मिलते हैं, और आने वाले इसके जो सॉल्यूशन है वो 30 सॉल्यूशन होने वाले हैं। मैं डे बाय डे पर डे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो इसमें 30 सॉल्यूशन दिया है, 1 सॉल्यूशन डेली डालूंगा। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि प्लीज़ इन वीडियो को देखें, और प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो अपना टाइम रूटीन है, जो अपना डेली रूटीन है, जो अपना लाइफ स्टाइल है, उसे अच्छी तरह मैनेज करें। क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्रीवियस जो अच्छे महान हुए हैं, बहुत बड़ी हस्ती हुई है, उनके पास भी 24 घंटे थे, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को, अपने कह सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को, अपने डेली रूटीन को ऐसे मैनेज किया था कि उन्होंने कुछ कर दिखाया। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस बुक को पढ़ूंगा, और अपने जो लाइफ स्टाइल को, अपने डेली रूटीन को चेंज करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। आपसे भी यही कहता हूँ कि आप भी ज़रूर इन वीडियो को देखें, और ये मैं कहता हूँ कि ये बुक भी ले आए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं तब कल को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।